जम्मू कश्मीर में 19 नवंबर को जम्मू के बान टोल प्लाजा पर मारे गए 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के पास से इस्तेमाल किए गए संचार उपकरणों से भारत को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि इन संचार उपकरणों के माध्यम से भारत ये साबित कर सकता है कि 31 जनवरी 2020 को आतंकी समूह की ओर से इसी तरह के घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। आपको बता दें, इस साल 31 जनवरी को इसी टोल प्लाजा के पास सुरक्षा बलों ने 3 जैश के आतंकियों को मार गिराया था। सुबह सुबह हुए इस एनकाउंटर के बाद आतंकियों के 3 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तार किए गए इन व्यक्तियों में से एक समीर अहमद था, वह ट्रक का ड्राइवर था। समीर अहमद डार आदल डार का दूर का भाई था। आपको बता दें, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ की बसों पर हुए हमले का सुसाइड बॉम्बर आदल डार था। इसने विस्फोटक से भरी मारुति इको कार को बस में उड़ा दिया था, जिसमें 40 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।